नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त प्रिया आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जन्माष्टमी अब बस आ ही गई है, तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को क्या पहना सकते हैं। ये ड्रेस जो है घर पे बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें को मैंने किस तरह से बनाया है और क्या मटेरियल यूज़ किया है, तो उसके लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए। और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, इस ड्रेस को बनाना सीखते हैं। दोस्तों, इस ड्रेस के लिए मैंने साटन का कपड़ा लिया है और येलो कलर लिया है। आप चाहे तो इसके लिए नेट भी यूज़ कर सकते हैं और नेट पे भी ये बहुत ही सुंदर लगेगा। और येलो कलर का साटन का कपड़ा लिया है और मैंने यहाँ पर जो है कैंची चाहिए काटने के लिए और लेस चाहिए इसके जो सुंदर लगे उसके अकॉर्डिंग, और ये जो रिबन होता है वो भी लिया है और गोटा पट्टी जो है सिल्वर कलर का वो भी लिया है। तो इसमें ज़्यादा सामान नहीं चाहिए। मैंने इसको कटिंग कर लिया है लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि मैंने क्या साइज़ रखा है। अगर आपको आपके जो लड्डू गोपाल जी के ड्रेस की साइज़ नहीं पता है तो आप उसके लिए अपने लड्डू गोपाल जी के जो पुराने ड्रेसेस आप जो पहना रहे हैं उसके जो है साइड से जो घेरा है उसका पूरा राउंड जो साइज़ है वो ले लीजिएगा। मेरा ये जो पूरा घेरा है ये 32 इंच का है और मैंने जो है ये कपड़ा 32 इंच लेंथ रखा है और इसकी चौड़ाई भी आपको जो है यहाँ से नाप लेना है। और मेरा जो ये घेरे की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, बट मैं जो है डबल लेयर वाला जो ड्रेस बना रही हूँ तो मैंने जो है 8 इंच तक इसका जो है लेंथ लिया है, 8 इंच चौड़ाई ली है और 32 इंच जो है इसको मैंने लंबाई लिया है काट के। और दोस्तों, जो क्योंकि ये डबल होगा और इसके जो सिलने के बाद में नीचे से चारों साइड से जो 1 इंच जितना कम हो जाएगा इसीलिए एक्स्ट्रा मैंने 1 इंच ज़्यादा लिया है, क्योंकि 4 इंच और इधर जो है 3 इंच हो जाएगा तो 7 इंच कपड़ा चाहिए मुझे और कपड़े को चारों साइड से सिलना पड़ेगा, उसके लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब दोस्तों, इसको चारों साइड से जो है फोल्डिंग करके सिलना पड़ेगा क्योंकि ये साटन का कपड़ा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा धागा निकल जाएगा। मैंने ये सिल लिया है, आप देख सकते हैं, चारों साइड से आपको सिल लेना है इसको पहले अच्छे से ताकि धागा वगैरह ना निकले। अब जो है इसमें लेस अटैच करना है। लेस अटैच करने के लिए दोस्तों, जो फ्रंट वाला जो साइड है उस पर अगर आप ये पिंक वाला लगा रहे हैं तो उसके दूसरे साइड अपोजिट पे आपको दूसरा जो पिंक कलर का जो है वो उल्टे साइड पे लगाना है, तभी वो जब हम उसको फोल्ड करेंगे तब वो ऊपर आ जाएगा तो वो दिखने में काफ़ी सुंदर लगेगा और डबल लेयर भी हो जाएगा इस तरह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं ये वाला रिबन जो है सिलूंगी और उसके ऊपर जो है गोटे का जो लेस है वो सिलूंगी। तीनों मैं सिल के आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा। और दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा लगेगा और इसको मैं पूरा सिल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दोस्तों, ये कुछ सिलने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है आपको कि इसके अगर एक साइड में आप ये लगा रहे हो तो दूसरे साइड उसको अटैच करना पड़ेगा उल्टे साइड पे, तभी वो चीज़ ऊपर आएगी। और दोस्तों, ये कुछ इस तरह से होने वाला है। देखिए आप, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब जो है ऊपर की ओर जहाँ मैंने ये उंगली रखी है यहाँ से आपको जो पूरा एक जो सिलाई लगानी है और सिलाई लगाने के बाद में ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब दोस्तों, हमें एक एक इंच का एक के ऊपर एक प्लीट्स लगानी है और प्लीट्स के लिए एक एक इंच आप एक के ऊपर एक जैसे रखते हैं ना, उस तरह से रख के आपको जो है सिलाई मशीन चला देनी है इस तरह से, जैसे हम साड़ी वगैरह में जो है सलवट वगैरह करते हैं वही सेम सिस्टम होता है। और मशीन आपको इस तरह से चला देनी है और ये सिलने के बाद में काफ़ी सुंदर लगने वाला है। देखिए दोस्तों, हमारा घेरा रेडी हो चुका है और जो है ये हमारा बेस है, नीचे का घेरा है लड्डू गोपाल जी का और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है क्योंकि ये डबल लेयर है इसीलिए काफ़ी सुंदर लग रहा है। और दोस्तों, अब जो है हम चोली के लिए जो कपड़ा लेने वाले हैं उसकी जो साइज़ भी आपको आपके लड्डू गोपाल जी के पुराने ड्रेस जो आप पहना रहे हैं उसी से ही लेना पड़ेगा। उसके लिए आप अपने कोई भी जो ड्रेस से आपने नीचे का बेस लिया है उसी को ही आप ले सकते हैं और इंची टेप से आप ऊपर के जो पोर्शन है उस पर रखिए। मेरा ये 3 इंच है यानी 6 इंच ऐसे हो जाएगा डबल,
और इधर से दो है तो मैं जो सिलने के लिए साइड से पोर्शन होगा तो 2.5 इंच ले लूँगी। दोस्तों 6 इंच जो है हमारे नॉर्मली लगेगा, लेकिन 1 इंच जो है हमें एक्स्ट्रा लेना है, कपड़ा जो है सिलने के लिए दब जाता है, इसीलिए हमें 7 इंच का डबल लेना है, यानी 14 इंच कपड़ा लेना है हमें लंबाई, और 2.5 इंच चौड़ाई लेनी है। इस तरह से जो है हमें हमारे जो चोली की साइज़ के हिसाब से कटिंग करना है, और इसको जो है साइड से मैं पूरा अच्छे से सिल चुकी हूँ ताकि धागा वगैरह ना निकले। अब आप अपने जो लेस वगैरह है उसके मैचिंग के हिसाब से जो है लेसेस में ये पिंक वाला जो है बीच में लगाने वाली हूँ, और गोटा पट्टी का जो लेस है वो साइड में सिल के आपको बताने वाली हूँ। साइड में जो है गोटा पट्टी वाला लगा रही हूँ दोनों साइड से, तो ये बिल्कुल मैचिंग हो जाएगा इसी के साइज़ से के हिसाब से। और मैं जब तक इसको सिल रही हूँ, ये सिलने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा, आप देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर है। अब दोस्तों ये मैंने डबल लिया है, यानी ये 7 का 14 इंच है, तो मैं इसको बीच में से काट लूँगी। काटने के बाद हमारे दोनों जो बाजुओं का साइड हो जाएगा, क्योंकि दो साइड का होता है ये, और इसको काटना है बीच में से बराबर रख के, बिल्कुल काटिएगा। और जो हिस्सा हमारा जो कॉर्नर से सिला हुआ है उसे हम पीछे रखेंगे, और जहाँ से हम कटिंग कर रहे हैं वहाँ से हम बाद में गोटा पट्टी का जो लेस है उससे लगाकर और धागा लंबा रखेंगे, ताकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी के जो ड्रेस है वो कमर में बहुत अच्छे से बन जाए। यानी जो हिस्सा मैं काट रही हूँ जहाँ से, वो हिस्सा जो है सामने के पोर्शन में रहेगा। दोस्तों आप चाहे तो इसको इसी तरह से जो है अटैच कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा इस बार अलग बनाने वाली हूँ, ताकि जो है पूरे अच्छे से उनको बांध कर और पहना सकूँ, वो भी डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत होता है। और इस तरह से मैंने इनको अटैच कर लिया है, आप देख सकते हैं, और इसे आप बहुत ही आसानी से अपने लड्डू गोपाल के हिसाब से पहना सकते हैं। और ये खूबसूरत ड्रेस अब बनकर रेडी हो गया है। मैंने जस्ट ये नीचे बांधने के लिए जो है यहाँ गोटा का लेस लगा दिया है, और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के लिए नीचे रेड बटन पर क्लिक करना ना भूले, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप उसको देखने के लिए बेल आइकन पर भी प्रेस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं, या वीडियो से रिलेटेड कुछ बताना है तो आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय, राधे राधे दोस्तों।